और यहाँ से शुरू होती है हम लोगों की सुंदरबन की जर्नी, जो सीधा बसंती हाईवे लेके जाएंगे गौतखली फेरी घाट में। और आप लोग अगर चाहे तो बाई ट्रेन भी आ सकते हैं। सुंदरबन वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है इसको, और बेहद खूबसूरत भी। इस सुंदरबन का 1/3 पोर्शन है इंडिया में, और बाकी का 2/3 पोर्शन है अपने ही पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में। और हम लोग भी यहाँ पे पहुँच गए हैं सिर्फ इसी उम्मीद पे कि हम लोगों को भी एक बार दर्शन मिल जाए द रॉयल बंगाल टाइगर की, जो कि इनका घर है। तो देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए पखरियाला जेटी में, जहाँ पे हम लोगों का होटल। होटल आपनजन। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये होटल काफ़ी बड़ा है, बहुत से लोग एक साथ रह सकते हैं। बहुत खूबसूरत एक बगीचा भी है, एक खूबसूरत लॉन भी है, जहाँ पे आप लोग कोई भी इवेंट यहाँ पे करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऑप्शन हैं आप लोगों के एंजॉय करने के लिए। तो थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद, लगेज को यहाँ पे रखने के बाद, लंच करके हम लोग निकल गए कुछ और चीज़ें देखने के लिए। तो आप लोग अगर नए हो मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बाद बेल आइकन को दबा के उसका ऑल ऑप्शन ज़रूर एक्टिवेट कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। और उस दिन हम लोग का कुछ खास देखने को नहीं मिला, सिर्फ कुछ बंदर के अलावा। तो यहाँ से हम लोग लौट गए अपने होटल की तरफ फिर से, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों के लिए था कुछ खास इंतज़ाम, एक ऐसा कल्चरल प्रोग्राम। মোনা মার কেমন কেমন করে ও বধু রে মোনা মার কেমন কেমন করে ও বধু রে কেমন কেমন করে তো আজ হম লোগো কা ডে টু। তো আজ হম নিকল রহে হ্যায় অভি ফির সে লঞ্চ সে। तो बहुत सी जगह में है, बहुत सी डेस्टिनेशन में है जाना, मगर कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि कल का दिन तो था बहुत ही डल, क्योंकि बहुत से वजह की वजह से बहुत सारे लोकेशन मुझे चेंज करना पड़ा। तो आज देखते हैं क्या होता है, क्या दर्शन को मिलता है। तो पूरा का पूरा दिन मिलेंगे आपसे। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं सजने खाली इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हम लोगों को छोटा सा एक परमिशन करवाना पड़ता है अंदर जाने के लिए। तो परमिशन करने के बाद हम लोग चलेंगे सीधा अंदर। और यहाँ से एंटर करने के बाद हमें मिला एक वॉच टावर। चलिए ऊपर चल के देखते हमें क्या नज़ारा मिलता है। और ये वो जगह है जहाँ पे सारे जानवर पानी पीने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे मीठा पानी का एक तालाब बना के रखा है। वैसे कुछ खास देखने को नहीं मिला हम लोगों को यहाँ से,
चलिए देखते हैं आगे क्या मिलता है। और यहाँ पे एक खूबसूरत सा एक छोटा सा बगीचा है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगा हुआ है, और इन पेड़ों में से ये पेड़ है सबसे खास, सुंदरी पेड़, क्योंकि इस पेड़ की वजह से ही इस जंगल का नाम पड़ा सुंदरबन। तो कुछ देर बगीचे में घूमने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं मैंग्रोव इंटरप्रिटेशन सेंटर, मतलब जहाँ पे सुंदरबन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जो लोग सुंदरबन में पहले ही जा चुके हैं उन लोगों को तो ये पता ही होगा कि यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, और जो लोग अभी तक नहीं गए हैं बिल्कुल जाइए, एक बार खुद से देख लीजिए, खुद से जान लीजिए। और अगर आप चाहें तो मेरे इस वीडियो को पॉज करके भी इसके पूरे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ देखने के बाद हम लोग फिर से चलने वाला है बोट की तरफ, क्योंकि हमें जाना है और एक लोकेशन पे। तो थोड़ी देर चलने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं सुधरनेखली कैंप में, और यहाँ पे अक्सर शेर दिख जाते हैं, क्योंकि चलिए देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप जो जंगल देख रहे हैं ये शेर के रहने के लिए सबसे सेफ जगह है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे जो पेड़ का कलर है वो शेर के बॉडी से काफ़ी मिलता जुलता है। और अभी हम पहुँच गए और एक स्पॉट में, इस स्पॉट का नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग जो सुंदरबन में पहले जा चुके हैं मुझे कमेंट करके बताइए इस जगह का नाम क्या है। बस यहाँ पे इंसान रहते हैं पिंजरे के अंदर और जानवर रहते हैं बाहर। और यहाँ पे होता है हम लोगों का डे टू ख़त्म। लौटते वक्त हम लोगों को फिर से कुछ हिरन दिख गए थे, और लौट के हमें फिर से एक बार यहाँ के जो फेमस कल्चरल प्रोग्राम है वो देखने को मिला। और बहुत ही खूबसूरत सनलाइट के साथ हम लोगों का शुरू हुआ डे थ्री। थोड़ी देर चलने के बाद हम लोग एक छोटा सा हॉल्ट लिए, जहाँ पे रुके
इसका नाम है बाली ग्राम। तो यहाँ से हम थोड़ा सा एक हॉल्ट दिए है जो 20 या 25 मिनट का होगा ये ग्राम को थोड़ा सा घूमने के देखने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोकेशन भी है, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, इधर सीधा चले जाते हैं गाँव के अंदर। जब तक आप पानी में घूमते हो एक चीज़ आपको ज़रूर याद रखना होगा जो है हाई टाइड और लो टाइड। मतलब जब तक पानी का लेयर ऊपर है तब तक आप आराम से चल सकते हो बोट में। अगर पानी का लेयर कम हो गया और अगर आप बीच पानी में ही हो तो आप 6 घंटे के लिए वहाँ पे अटक जाओगे अगला हाई टाइड आने तक। और अभी हम पहुंच गए हैं झौरखाली टाइगर कैंप, जहाँ पे बीमार शेर को रख के उनका ट्रीटमेंट किया जाता है और उसके साथ साथ और भी कुछ स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे सारा कुछ हम लोग घूम लिए, एक छोटा सा खूबसूरत सा बगीचा भी है। और अभी निकलते हैं यहाँ से और बाहर जाके आपको छोटा मोटा कुछ गिफ्ट खरीदना हो तो खरीद सकते हैं, कि एक बाज़ार भी है, अगर आप कुछ स्नैक्स वगैरह खाना चाहते हो तो वो भी खा सकते हो। तो यहाँ पर ख़त्म होती है हम लोगों की सुंदरबन की जर्नी। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और लोकेशन पे।